नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। नोएडा के गांव वाजीपुर में एसटीएफ और खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक मकान में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें बड़े स्तर पर बड़े बड़े ब्रांड जैसे मदर डेयरी, अमूल, तमाम की पैकिंग में नकली घी तैयार किया जा रहा था और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा था। ये लोग ब्रांडेड कंपनी के लेबल लगाकर घी सप्लाई करते थे। छापेमारी में 240 किलो नकली घी बरामद हुआ है। फैक्ट्री के संचालक ये घी 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम बेचते थे। वहीं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बीती रात नोएडा एसटीएफ और खाद्य विभाग ने वाजिदपुर गांव में छापा मारा। यहां पर नकली घी बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी। हालांकि बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते पहले इसी मकान में किराए पर आए थे ये लोग, और एक ही हफ्ता भी हुआ था जब यूपी पुलिस को, यूपी एसटीएफ को खबर लगी और खाद्य विभाग ने मिलकर यहाँ पर छापा मारा तो भारी मात्रा में यहाँ से जो नकली घी बनाने का सामान बरामद हुआ है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर किराए पे आए, जो मकान मालिक हैं उनका जो कहना है कि एक हफ्ते पहले ही इन्होंने किराए पे लिया था, पूरे प्रॉपर एग्रीमेंट किया गया था, सारे पेपर्स कंप्लीट किए गए थे, उसके बाद यहाँ पर जब पुलिस को सूचना मिली उसके बाद इस पे जब देर रात छापेमारी की गई तो यहाँ पर भारी मात्रा में नकली घी बनाने की फैक्ट्री बरामद हुई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बरामद हुई जिससे नकली घी। बताया जा रहा था कि अलग अलग ब्रांड के कंटेनर्स यहाँ पर मिले हैं, जो ब्रांड के कंपनियां हैं जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनके नाम का उनका लेबल लगाकर यहां पर नकली घी बनाने की तैयारी चल रही थी और यहां पर काम भी काफ़ी लंबे से चल रहा था। लेकिन फिलहाल एक हफ्ते पहले ही ये लोग यहां पर इस मकान में किराए पर आए थे और इसी मकान में इस यूपीएसटीएफ और खाद्य विभाग ने छापेमारी करके एक बड़ी सफलता जरूर हासिल की है। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा। वहीं नोएडा में ही एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल नोएडा में मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए थाना 126 पुलिस ने दो ठगों को गिरफ्तार किया। गिरोह ने सेक्टर 125 में कंसल्ट नाम से सेंटर खोलकर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी कई वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों से मोबाइल, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, फर्जी आधार कार्ड और आर्टिका कार्ड बरामद की है। पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड और बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। आरोपी दीपक कुमार और राजेश कुमार आहूजा को पुलिस ने हाजीपुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। दोनों पर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। नोएडा जोन 1 के डीसीपी हरीश चंद ने बताया कि लखनऊ की रहने वाली एक युवती दर्शिका ने कुछ दिन पहले थाना सेक्टर 126 में रिपोर्ट दर्ज करी थी। कुछ लोगों ने उससे एमबीबीएस में दाखिला के नाम पर 13 लाख की ठगी की है। इसकी जांच के लिए एसीपी रजनीश वर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ जिसने मामले की जांच शुरू की और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके से लोगों से ठगी करते थे? ये एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। एक बच्ची जो है वो एक कंप्लेन लेके आई थी कि उसके एडमिशन के नाम पर मेडिकल कॉलेज में और लगभग 13 लाख समथिंग उससे ठग लिए हैं। तो इस पे जो है वो एसीपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, इन लोगों ने काम किया, उसमें एफआईआर दर्ज हुई और दर्ज होने के बाद जो है इसमें दो लोग हमने अरेस्ट किए हैं। अभी एक जो इसका मास्टरमाइंड है वो भी भागा हुआ है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि ये नीट से जो बच्चे एग्जाम देते थे और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो कि जिनकी रैंकिंग कम होती थी, उनको ये कॉल करते थे। कॉल करने के बाद जो है उनको कन्विंस करते थे कि हम पेड सीट में आपको जो है वो एडमिशन दिला देंगे। उसमें होम स्टेट का जो है 35 लाख के आसपास जो है रेट होता था और होम स्टेट से बाहर जो है 25 लाख के आसपास होता था। नोएडा पुलिस ने एडमिशन के नाम पर दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो एमबीबीएस और नीट की परीक्षा में एडमिशन दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगी किया करते थे। इनके पास से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं, इनके अकाउंट सीज किए गए हैं और वहीं कुछ जाली दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। नोएडा पुलिस डीसीपी की माने तो इनके पास से लगभग 30 लाख रुपए के आसपास बरामद किए जा चुके हैं। विजिलेंस वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा। वही ये खबर आपके लिए है अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो। उत्तर प्रदेश में वाहनों की बढ़ती ट्रैफिक को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को नोएडा से आगरा तक 2 लेन और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे
एक लेन का हो जाएगा, दोनों ओर एक एक लेन बढ़ाई जाएगी। यमुना अथॉरिटी ने जेपी ग्रुप से एक महीने में इसकी डीपीआर बनवाने को कहा है। यमुना एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए साल 2003 में जेपी ग्रुप के साथ करार हुआ था, उसके बाद कई तरह के विवादों में ये उलझा रहा। साल 2012 में इसे शुरू किया गया। ग्रेनस से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने किया था। यमुना प्राधिकरण के साथ हुए अनुबंध के अनुसार इससे पहले फेज में 6 लेन का बनाया गया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार इस पर वाहनों का दबाव एक निर्धारित संख्या से ज्यादा होने पर 8 लेन का किया जाना है। इसी के चलते पहले से ही इसके लिए 8 लेन की जगह रखी गई थी। अनुबंध के अनुसार जब इस पर वाहनों की संख्या रोजाना 32,000 होने का औसत हो जाएगा तो इसमें 2 लेन और बढ़ा दी जाएंगी। वहीं अगर बात की जाए तो सीईओ डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि समय एक्सप्रेसवे पर रोजाना औसतन 30,000 से 32,000 वाहन गुजरते हैं। इसी के चलते यमुना अथॉरिटी ने सोमवार को इस बारे में बात करने के लिए जेपी ग्रुप के साथ एक मीटिंग भी की थी। इस मीटिंग के बाद अब इसमें 2 लेन और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब एक्सप्रेसवे के किनारे लगे क्रैश बीम बैरियर की ऊंचाई भी बढ़ा दी जाएगी। अभी इनकी ऊंचाई 0.5 मीटर है। इन्हें NHAI के मानकों के अनुसार ऊंचा किया जाएगा। बैरियर ऊंचा होने से हादसे के बाद वाहन नीचे नहीं गिरेंगे और इस पर काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। अगर आप नोएडा से आगरा यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे का अब एक बार फिर विस्तार होने जा रहा है। दरअसल यह करार जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले ही हुआ था कि अगर 32,000 पर डे के हिसाब से वाहन यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल करेंगे तो इस एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा, जिसके चलते अब यमुना एक्सप्रेसवे इसमें 2 लेन ऐड करने जा रही है। अभी फिलहाल 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसको आगे बढ़ाकर 8 लेन का एक्सप्रेसवे किया जाएगा, जिससे जो टोल पर जाम लगता था उससे कहीं ना कहीं चलने वालों को बड़ी राहत जरूर मिलेगी। विर्जली सरताज के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, यमुना एक्सप्रेसवे। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। सहारनपुर थाना नागल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना नागल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महिला का भेष बदलकर हाईवे पर ट्रक चालकों से लिफ्ट मांगकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध असलाह के साथ लूटी हुई नकदी भी बरामद की है। सहारनपुर SP देहात सूरज राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही थाना नगला पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवकों द्वारा महिला के भेष में लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए अभियोग पंजीकृत किया। 5 लुटेरों को 4 घंटे में पूरी कैश रिकवरी के साथ गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों के कब्जे से चाकू, बुलेट, एक्टिवा भी बरामद की गई है। तो सहारनपुर का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो कि महिला के भेष में ट्रक चालकों से लूटपाट किया करते थे। यानी दिनांक 13/14 की रात्रि में थाना नागल पे सूचना मिली कि कुछ युवकों द्वारा महिला के भेष में गाड़ी रोककर एक पिकअप ड्राइवर के साथ लूट की घटना को कारित किया गया है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए नागल पुलिस थाना नागल पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस टीम सक्रिय हो गई। 4 घंटे के अंदर पुलिस टीम ने 5 युवक जिन्होंने इस घटना को कारित किया था उनको पूरी कैश रिकवरी के साथ गिरफ्तार किया और इनके पास से 2 कंट्री मेड वेपन्स, 2 चाकू और 1 रॉयल इनफील्ड बुलेट और 1 एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई है। पूछताछ में जो इनका मोडस ऑपरेंडी सामने आया है वो यह है कि ये महिलाओं का वस्त्र धारण करके या तो मदद लेने के या आकर्षित करने के का प्रयास करते हैं हाईवे पर चलने वाले ड्राइवर्स को, और एक बार जब वो गाड़ी रुक जाती है तो ये झुंड में आके उनके साथ लूट की घटना को कारित करते हैं। वहीं अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में गौकशी की घटना थमी नहीं थी कि चोरी की घटना ने दस्तक दे दी। थाना अध्यक्ष संदीप राय से कोतवाली नहीं संभाली जा रही है, लाखों के सामान नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा, ऐसे तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं अमेठी में। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित रानीगंज CSC अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लाखों की चोरी हुई है। क्या
क्या मामला हुआ? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, ग्राम अपोस्ट हलियापुर के निवासी हैं। पीएससी रानीगंज पे वाइफ मेरी तैनात है, सब सेंटर उपकेंद्र रानीगंज पीएससी में हमारा आवास है, हम लोग वहाँ आवास करते हैं। कल दिन में जो है घर से सूचना मिली कि पिताजी की तबीयत ख़राब है, तो हम लोग गए घर पे, वापसी नहीं कर पाए। और जब सुबह यहाँ आए तो मेरा ताला टूटा हुआ था, मेरे सारे सामान पूरे कमरे में बिखरे हुए थे और इन्वर्टर बैटरी वही गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला हाजीपुर में आज सुबह नशे की हालत में पड़ोस का दबंग पत्रकार के घर पर चढ़कर उसके पिता को बुरी तरीके से मारने पीटने का मामला सामने आया है। पिता ने जब आवाज लगाई तो अपने पिता को बचाने के लिए जितेंद्र यादव आगे बढ़े। इसी बीच 4 से 5 की संख्या में अन्य दबंगों ने जितेंद्र यादव को बुरी तरह से लात घूंसों से पीटा है और इसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल जितेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मारपीट की घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि नगर निगम गोरखपुर के नगर आयुक्त के पूर्व अर्दाली रुदुल यादव के पत्रकार पूर्व जितेंद्र यादव उर्फ जीतू यादव को अजय यादव, विजय यादव और तमाम ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने जानबूझकर विवाद पैदा किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। नाम जितेंद्र यादव है, मैं दिलेजागपुर में रहता हूँ, थाना कोतवाली अंतर्गत। आज सुबह वो सब दबंग टाइप के आदमी हैं, बिना वजह के हमारे घर में घुसकर हमारे पिताजी को लगे मारने, बाहर निकालकर। हम सोए हुए थे, उठकर गए तो लोग हमको भी मारे, मेरा गला दबाकर मारने का प्रयास किए। वो सब थाने में उसके खिलाफ 110G की कार्रवाई तक हो चुकी है। ये सब आए दिन दबंग टाइप के आदमी हैं, विजय चौराहे से लगाए सावित्री हॉस्पिटल अलीनगर चौराहे तक आए दिन सब किसी न किसी से आए दिन मारपीट करते रहते हैं। किस चीज से मारे हैं और चोट कैसी लगी है? ये हमको तो ध्यान नहीं है, लेकिन एक नुकीला सामान था उससे मारे हैं, हाथ पे और गले पे मारे हैं, गले से किसी तार टाइप का चीज था उससे मेरा गला घोट। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।